गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज संतोष संतोष श्रीवास्तव और आप देख रहे होंगे सामने आज कोट ऑफ द डे मैं लेकर आपके सामने हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है बच्चों कि आपकी लाइफ का जो प्रत्येक दिन हो उसकी जो सुबह हो उसमें आपके पास कोई संकल्प होना चाहिए, एक रेजोल्यूशन होना चाहिए कि हाँ आपको ज़िंदगी में किस तरीके से आगे बढ़ना है और इस आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफ में अपनाने होंगे। तो उसमें जो कोट्स होते हैं बहुत काम करते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं आपको कुछ बेहतर करने के। तो आज का कोट आप देख रहे होंगे, नो वन कैन बिकम एग्जैक्टली लाइक यू, नो वन कैन बिकम एग्जैक्टली लाइक यू, यानी कोई भी आपकी तरह पूरी तरह से कभी नहीं बन सकता है। सो इसलिए डोंट ट्राई टू बिकम लाइक देम, इसलिए आप भी उनकी तरह बनने की कोशिश ना करें। ये कोट आपसे बहुत कुछ कहता है। बहुत बार ऐसा होता है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप किसी की तरह बनना चाहते हैं। आप किसी की तरह नहीं बनना चाहिए बच्चों, आप अपनी तरह बनिए। आप इस संसार के सबसे अच्छे इंसान हैं, आपसे बेहतर आपके लिए इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में कोई नहीं है। तो फिर आप अपने को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? खुद को फॉलो करिए बच्चों, तो लोग आपको फॉलो करेंगे। और जब तक आप दूसरों को फॉलो करते रहेंगे तब तक आप कभी फॉलो नहीं किए जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, दूसरों की तरह न बने, अपनी तरह बने, क्योंकि दोस्तों की तरह बनने में आप नकल कर रहे होंगे और नकल करके कभी भी महारत हासिल नहीं की जा सकती है। ठीक है, चलिए। तो ये कोट ऑफ द डे था, आगे बढ़ते हैं बच्चों। और ये हमारे सामने है वो कैप का हमारा सेक्शन, ये देख रहे होंगे। वोकैब में आप आज देखेंगे पहला जो वर्ड है आपके सामने वो है स्केची, मीन्स रफली आउटलाइंड, अर्थात अधूरा संक्षिप्त। बहुत बार आप किसी चीज़ की तस्वीर को देख रहे होते हैं तो उस तस्वीर में जो चेहरा होता है वो धुंधला दिखाई देता है, उसका आउटलाइन वो दिखता है, यानी उसकी जो बाहरी रूपरेखा है कि वो चेहरा है ये दिखाई देता है लेकिन वो साफ नहीं दिखाई देता है। दिस इज अ स्केची फेस। वैसे ही जब हम कोई आइडिया बनाते हैं, ठीक है, कोई विचार बनाते हैं, वो विचार हमारा अधूरा सा रह जाता है तो वो एक स्केची आइडिया होता है। तो स्केची मीन्स अधूरा संक्षिप्त, अर्थात जो पूरा न हो, जिसका केवल स्केच हो, अर्थात वो पूरा न हो, केवल स्केच बनाया गया हो वो स्केची होता है, ये स्केच से ही बना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फायर फाइट। समझ सकते हैं बच्चों, अभी आपने जम्मू एंड कश्मीर में सुना आपने कि हमारे कर्नल और मेजर सहित 5 लोग वहाँ पे शहीद हो गए फायर फाइट में। कैसे? क्योंकि जब उन्होंने ये देखा कि गन फायर नहीं हो रहा है, मीन्स गोलीबारी नहीं हो रही दूसरी तरफ से, टेररिस्ट की तरफ से, तो उन्होंने सोचा कि स्थिति जो है वो इन कंट्रोल है और फिर वो आगे बढ़ गए बिना ध्यान दिए कि वो जो टेररिस्ट थे वो घात में वहीं पर बैठे हुए थे और फिर उन्होंने उन पर अटैक कर दिया और फिर टेक डाउन कर दिया उन्हें। तो फायर फाइट मीन्स क्या होता है? अ कन्फ्रंटेशन, यानी एक आमना सामना, एक मुठभेड़ इन्वॉल्विंग गन फायर, जिसमें क्या हो, गोलीबारी हो, वो आपका फायर फाइट होता है। तो फायर फाइट मीन्स क्या हो जाएगा? गोलीबारी। नेक्स्ट वर्ड है एनसीओ। एनसीओ मीन्स टू टेक प्लेस आफ्टर वार। जैसे अब वहाँ वो गए, वो ऑफिसर्स वहाँ पे गए और उन्होंने सोचा कि अब वहाँ पे गोलीबारी नहीं होगी, लेकिन कुछ ही समय बाद उनके जाने के परिणाम स्वरूप वहाँ पे फायर फाइट एनसीयू हो गई। फायर फाइट क्या हो गई बच्चों? एनसीयू हो गई, मीन्स वो फायर फाइट क्या हो गई? प्रारंभ हो गई। तो एनसीयू मीन्स किसी चीज़ के परिणाम स्वरूप बाद में प्रारंभ हो जाना, शुरू हो जाना, अर्थात टू टेक प्लेस आफ्टर वॉर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है रेमिफिकेशन। बच्चों ये व्हाट उन पे अटैक किया टेररिस्ट ने और वो शहीद हुए, मार्टर हुए, और कुछ चीज़ें ऐसी भी रहीं जो चीज़ें बताती कहीं कहीं से कुछ लापरवाहियां भी हुई, मीन्स उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आगे इस चीज़ का जो रेमिफिकेशन है ना वो बड़ा होगा, लार्ज होगा। तो रेमिफिकेशन मीन्स कोई कॉन्सिक्वेंस, मीन्स कोई परिणाम, कोई आउटग्रोथ, अर्थात कोई परिणाम, कोई असर। तो रेमिफिकेशन अर्थात जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं
और उस कार्य के परिणाम स्वरूप कोई चीज होता है तो वो रेमिफिकेशन होता है, मीन्स उसका असर होता है। जैसे आपने आज किसी को इंस्पायर किया कि आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, और फिर वो बच्चा गया और वो बच्चा अपने माता पिता का सम्मान करना शुरू कर दिया, तो आपकी बातों का क्या हुआ? रेमिफिकेशन हुआ, मीन्स असर हुआ, उसी का परिणाम रहा कि वो सम्मान करना शुरू किया। फिफ्थ वर्ड बच्चों है हमारा कोइंसिडेंस। ये तो आप अक्सर सुनते होंगे, अक्सर कोइंसिडेंस अर्थात इत्तफाक, कोई ऐसी चीज जो आपने सोचा नहीं हो और वो हो जाए, दिस इज संजोग या इत्तेफाक। मीन्स द ऑकरेंस यानी कोई ऐसी घटना, ऑफ इवेंट्स यानी घटनाओं का, कोई ऐसी घटना दैट हैपन यानी जो घटित होती हो एट द सेम टाइम, उसी समय बाय एक्सीडेंट दुर्घटनावश, बट सेम टू हैव सम कनेक्शन, लेकिन उनका कहीं कहीं आपस में कोई कनेक्शन होता हो, जोड़ होता हो। जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल उठाई और आपने मोबाइल उठाई अपने भाई को, अपने भैया को कॉल करने के लिए, और अभी आपने कॉल की ही नहीं और तभी उधर से आपके भैया ने कॉल कर दिया, तो ये आप दोनों के बीच क्या घटित हुआ बच्चों? ये कोइंसिडेंस था, यानी कोइंसिडेंटली आप, उन्होंने आपको कॉल कर दिया जबकि आप खुद उनको कॉल करने जा रहे थे। हिंदी में आप क्या कहेंगे बच्चों? कि एक संजोग ही था कि मैं भी आपको कॉल करने जा रहा था और तभी आपने कर दिया। दिस इज कोइंसिडेंस मीन्स इत्तफाक। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो और आपने सोचा ना हो कि आपका जो फ्रेंड है जो बाहर गया हुआ था वो वहाँ आ जाए, और अचानक वो रास्ते में आपसे मिल जाए, तो ये क्या है बच्चों? ये कोइंसिडेंस है, अर्थात वो कोइंसिडेंटली आपसे मिल गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये पांच वर्ड्स हमारे पास हो गए और ये वर्ड्स हमारे पास है। नेक्स्ट वर्ड है परकोलेट। परकोलेट, परकोलेट का बच्चों जो वास्तविक अर्थ होता है वो तो होता है टपकना, मीन्स छूना, टपकना। आप जिसे ऊपर से कोई से छत के सीलिंग से अगर पानी टपक रहा है ना, तो वो परकोलेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इस एडिटोरियल के सेंस में इसका जो अर्थ है वो थोड़ा सा डिफरेंट। परकोलेट मीन्स, इसका मैंने सेकंड फॉर्म दिया परकोलेटेड और आईएनजी फॉर्म दिया परकोलेटिंग, और थर्ड फॉर्म भी परकोलेटेड ही होता है। टू स्प्रेड ग्रेजुअली यानी जो चीज धीरे 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 फैल रही हो वो क्या कर रही है बच्चों? परकोलेट कर रही है, यानी वो प्रसारित हो रही है, फैल रही है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो कर्नल और मेजर सहित जो पांच जवान शहीद हुए, अगले दिन तक इसके बारे में किसी को पता नहीं चला, और फिर अगले दिन जाकर के लोगों को पता चला कि हमारे पांच जवान जो हैं वो क्या हो गए हैं? शहीद हो गए हैं। अर्थात एक खबर जो थी बच्चों ने ये परकोलेट की, अर्थात धीरे धीरे लोगों तक पहुंची, इसका प्रसार जो था वो ग्रेजुअली हुआ। तो परकोलेट मीन्स प्रसारित होना, फैलना। नेक्स्ट वर्ड है आपका सॉलिडरिटी। जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो हम भारतीय सॉलिडरिटी शो करते हैं, मीन्स हम क्या शो करते हैं बच्चों? एकजुटता शो करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हम दिखाते हैं, क्योंकि हम दिखाते हैं कि हमारे बीच में एक प्रकार की क्या है? सॉलिडरिटी है, एकजुटता है। मीन्स यूनिटी दैट प्रोड्यूस्ड यानी वो एकता जो उत्पन्न हुई उस घटना के कारण, उसे हम सॉलिडरिटी कहते हैं। आप समझ सकते हैं ये सॉलिड से बना है, सॉलिड मीन्स ठोस, यानी हम मजबूत होकर के उभरते हैं, सॉलिडरिटी शो करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर आप समझते होंगे, किसी का नाम रखने की जो प्रक्रिया होती है, प्रणाली होती है, वो नोमेनक्लेचर होती है। जैसे किसी का बच्चा हुआ और फिर उन्होंने उसका नामकरण किया, तो ये जो नामकरण होता है ना, यही आपका नोमेनक्लेचर होता है। यानी आपने नाम रखा, आपने एक शब्दावली प्रदर्शित की, एक शब्द दिया कि हाँ मेरे बेटे का नाम तनिष्क है, दिस इज अ नोमेनक्लेचर। जैसे आप देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था, जो एक तरह से अलग से प्रशासित होता था, अभी वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, तो केंद्र सरकार ने अलग लद्दाख को अलग कर दिया, कश्मीर वगैरह को इस तरह सेपरेट किया, उन्हें राज्य से केंद्र सरकार के अधीन ले आया। ये नोमेनक्लेचर का काम है, यानी उन्होंने क्या दिया? उन्हें एक नेम दिया, एक नाम दिया, एक डिजिग्नेशन दिया, मीन्स एक पद नाम दे दिया। दिस इज नोमेनक्लेचर, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट वर्ड है इम्पल्स, मीन्स प्रेरणा। मैं आपको बताऊं तो कि पहले मेरा जो लगाव था वो मेरी मदर से बहुत ज़्यादा था बचपन में, लेकिन एक ऐसी घटना हुई जहाँ पे मैंने देखा कि मेरे फादर जो हैं मेरे लिए किसी भी लेवल तक जा करके मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मेरे अंदर एक प्रकार की इम्पल्स आई, एक प्रकार का इंस्पिरेशन आया, एक प्रकार का मोटिवेशन आया बच्चों कि मुझे भी अपने फादर के प्रति हमेशा समर्पित रहना है। तो मेरे अंदर क्या आई बच्चों, एक प्रकार की इम्पल्स आई। इम्पल्स मीन्स क्या होती है, प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन। यानी कोई भी इंस्पिरेशन, कोई भी मोटिवेशन जो है वो एक इम्पल्स होती है। इसी इम्पल्स से ही इम्पल्सिव बना है। जो व्यक्ति आवेग में आकर के कोई कार्य करता है, किसी प्रेरणा के वशीभूत होकर के कार्य करता है, वो इम्पल्सिव होता है। ठीक है, और ये लास्ट वर्ड है आपका ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट में तो वैसे ही भटकने के सेंस में हम यूज करते हैं, लेकिन यहां पे अ जनरल अंडरलाइंग डिजाइन और टेंडेंसी, अर्थात कोई हमारी प्रवृत्ति, कोई हमारा भाव, कोई हमारी भावना जो होती है वो एक ड्रिफ्ट होती है। ठीक है, ये 10 वर्ड्स हैं बच्चों आपके पास जो अभी एडिटोरियल में आपके सामने मिलेंगे, तो आपको ये और बेहतर समझ में आएगा। पहला वर्ड क्या हो गया, स्केची, मीन्स कोई अधूरा, कोई चीज जो संक्षिप्त हो, अर्थात जो साफ साफ पता न चला, दिख न रहा हो। दूसरा वर्ड आपने क्या पढ़ा बच्चों, फायर फाइट, मीन्स गोलीबारी, गन फायर जो होता है। तीसरा एनसीयू, अर्थात जो चीज किसी चीज के परिणाम स्वरूप बाद में प्रारंभ हो जाती हो वो एनसीयू करती है। रैमिफिकेशन, उस किसी घटना का जो परिणाम हो, जो असर हो, उसका आउटग्रोथ हो, कॉन्सिक्वेंस हो, रिजल्ट हो, वो रैमिफिकेशन होता है। कोइंसिडेंस, आपके लाइफ में बहुत सारे हुए होंगे, बहुत सारे आगे भी होंगे, मीन्स कोई संजोग, कोई इत्तफाक। परकोलेट, मीन्स जो चीज़ धीरे धीरे क्या हो रही हो बच्चों, प्रसारित हो रही हो, फैल रही हो, वो परकोलेट कर रही है, वर्ब के रूप में है ये आपका। सॉलिडरिटी, जो हमें दिखानी चाहिए एकजुटता, मीन्स यूनिटी कह सकते हैं। नोमेनक्लेचर, नाम रखने का जो प्रक्रिया होता है, या शब्दावली कह सकते हैं। इम्पल्स, जो आपके अंदर हमेशा से रही है, आगे भी मिलती रहेगी आपको। प्रेरणा, इंस्पिरेशन, और ड्रिफ्ट, किसी चीज़ की प्रवृत्ति, उसका भाव, भावना। ठीक है, और ये हेडलाइंस मैंने जोड़ी हैं, 6 मई की जो हेडलाइंस थी, आप जल्दी से एक कर्सरी लुक के साथ देख लें। इंडिया रिकॉर्ड्स एनदर स्पाइक, स्पाइक मीन्स आपको याद होगा बढ़ोतरी, उछाल, मीन्स बहुत ज़्यादा, विद 3,875 न्यू केसेस एंड 194 डेथ्स। यू कैन इमेजिन, आप ही समझ सकते हैं बच्चों, ये एक दिन में ऐसा हुआ, यानी 3,875 नए केसेस एक दिन में आए, और 194 लोग एक दिन में क्या हो गए, डेड हो गए। ये खबर है आपकी जो द हिंदू में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट खबर है आपकी, 5 माइग्रेंट्स फ्ली वेस्ट दिल्ली शेल्टर, यानी 5 माइग्रेंट्स जो थे वो दिल्ली सेंटर से, वेस्ट दिल्ली सेंटर से फ्ली भाग गए। कहाँ भाग गए बच्चों, होम भाग गए। अब इसका खतरा क्या है कि जहां जाएंगे वहां भी वो कहीं कहीं उस इन्फेक्शन को क्या करेंगे, वो फैलाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग थी आपकी, एससी डिसमिसेस पिटीशन, पिटीशन मीन्स मुकदमा, टू स्टॉप एविक्शन, एविक्शन मीन्स होता है बेदखल करना। ये खबर थी आपको बच्चों कि सरकार ने एक तरह से यह आदेश जारी किया था कि जो मकान मालिक हैं वो स्टूडेंट्स वगैरह को जो उनके रेंट पे हैं उन्हें बेदखल नहीं करेंगे अगर वो किराया नहीं दे पाते हैं तो इस पर जो मकान मालिक थे उन्होंने उसकी बात, सरकार की बात नहीं मानी। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस एविक्शन को जो पिटीशन जारी किया गया, मीन्स पिटीशन दायर किया गया है, वह उस पिटीशन को खारिज करता है कि वह एविक्शन को रोक सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको रोक नहीं सकते हैं, ये सरकार को ही देखना होगा। नेक्स्ट आपका महबूबाज डिटेंशन मे बी एक्सटेंडेड, पैसिव वॉइस से देखिए बच्चों, आपका डिटेंशन समझते होंगे जब किसी को नज़र बंद कर दिया गया हो, उस पर सब तरीके के प्रतिबंध लगा दिए गए हो बाहर वगैरह निकलने से, तो डिटेंशन होता है। डिटेंशन आप बहुत सुन रहे होंगे NRC के रेफरेंस में आप, ठीक है। तो महबूबाज डिटेंशन, यानी महबूबा को जो उनके घर में नज़र बंद किया गया है,
मे बी एक्सटेंडेड, शायद वो अवधि काल, वो जो उनका समय है वो अभी और अधिक क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। शायद सरकार को ऐसा लगता हो कि अगर ऐसे नेता लोग बाहर आएंगे तो फिर वहाँ की जनता को, पीपल को और अधिक क्या करेंगे, भड़काएंगे, शायद यही वजह होगी। नेक्स्ट हेडिंग की आपकी, 24 पेशेंट्स एट आर्मी हॉस्पिटल टेस्ट पॉजिटिव, यानी आर्मी हॉस्पिटल में 24 रोगी पाए गए जो टेस्ट पॉजिटिव, यानी कोरोना के लिए वो पॉजिटिव पाए गए। बच्चों बहुत सारी चीज़ों में पॉजिटिव होना अच्छा होता है, बट HIV और कोरोना के सेंस में अगर आप पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो यह आपके लिए बुरा होता है। और लास्ट हेडिंग थी आज की, लॉकडाउन वायलेशन केसेस वोंट बी क्वाश्ड, यानी यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट की बात है। लॉकडाउन वायलेशन केसेस, यानी जो लॉकडाउन में उसे वायलेट करने के केसेस, यानी लॉकडाउन को वायलेट करने के, लॉकडाउन का उल्लंघन करने के, न मानने के जो केसेस हैं, वोंट बी क्वाश्ड। क्वाश्ड आपको बच्चों याद होगा, रद्द कर देना, निरस्त कर देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऐसी याचिका है जिसमें ये कहा गया हो कि लॉकडाउन तोड़ने वालों पर मुकदमा न चलाया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है उन पर मुकदमा चल सकता है। ठीक है बच्चों, ये आज की हेडलाइंस थी। और अब हम आगे बढ़ते हैं जो हमारा मेन टारगेट है, ये एडिटोरियल ऑफ द डे। चलिए देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। डेंजरस ड्रिफ्ट, यानी डेंजरस ड्रिफ्ट बच्चों, यानी खतरनाक प्रवृत्ति, एक खतरनाक सोच, एक खतरनाक भावना, और है किस चीज पे, अन एनकाउंटर, यानी यह उस एनकाउंटर पर एडिटोरियल है, विद टेररिस्ट, जो एनकाउंटर किसके साथ, मुठभेड़ किसके साथ हुई थी, टेररिस्ट के साथ हुई थी, नियर हंदवाड़ा, यानी हंदवाड़ा के निकट जो टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ हुई थी उसी पर यह एडिटोरियल है, जिसमें कहा गया कि यह एक डेंजरस ड्रिफ्ट है, मीन्स क्या है, एक खतरनाक सोच है। देखें तो एनकाउंटर याद हो गया बच्चों, मुठभेड़ होता है, टेररिस्ट आप जानते हैं, हंदवाड़ा स्थान का नाम है, डेंजरस आप जानते हैं, पैरिलस हेजॉर्डस जो होता है वो खतरनाक होता है, और ड्रिफ्ट मीन्स सोच, भावना। एनकाउंटर्स इन कश्मीर, सही है, एनकाउंटर्स इन कश्मीर, बच्चों याद रखें हमेशा, बहुत आपके एग्जाम में काम आएगा ये, क्या कि जब भी प्रीपोजिशन आपका हो तो उसके पहले जो आपका नाउन या प्रोनाउन होता है वही आपका वास्तविक रियल सब्जेक्ट होता है। और इसीलिए देखिए यहाँ पे इन है यहाँ पे, और इसके बाद कश्मीर है, लेकिन कश्मीर के अनुसार आर नहीं है, ये आर किसके अनुसार है, एनकाउंटर्स के अनुसार, क्योंकि एनकाउंटर्स क्या है, प्लूरल है, जो प्रीपोजिशन के पहले लगाया गया है। तो एनकाउंटर्स इन कश्मीर, यानी कश्मीर में जो मुठभेड़ हुई है, आर ऑन द राइज, ऑन द राइज बच्चों, यानी बढ़ना, अधिक संख्या मात्रा में होना, यानी कश्मीर में जो एनकाउंटर्स हैं, मुठभेड़ की घटनाएं हैं, आर ऑन द राइज, वो क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, टेकिंग अ डिसप्रपोर्शनेट टॉल ऑन सिक्योरिटी पर्सनल, टेकिंग अ, अब यहाँ बच्चों ये टेकिंग किसके लिए पता है, राइज के लिए, यानी विच इज हो जाएगा, विच इज टेकिंग अ डिसप्रपोर्शनेट टॉल, यानी जो क्या ले रही है बच्चों, डिसप्रपोर्शनेट टॉल, यानी गैर अनुपातिक तरीके से, बड़े ही गलत तरीके से मौतें हो रही हैं ऑन सिक्योरिटी पर्सनल, किनकी, सुरक्षा अधिकारियों की, कर्मचारियों की, यानी इसका डिसप्रपोर्शनेट लगाने की वजह क्या है बच्चों, जैसे आपने सुना दो टेररिस्ट थे और उन्होंने 5 लोगों को क्या कर दिया, मार दिया, यानी ये कहीं कहीं डिसप्रपोर्शनेट है ना, तो वही उन्होंने कहा विच आर टेकिंग अ डिसप्रपोर्शनेट टॉल, यानी गैर अनुपात के रूप में मौतें हो रही हैं ऑन सिक्योरिटी पर्सनल, किनकी, सुरक्षा कर्मियों की, समझ गए होंगे बच्चों। एनकाउंटर्स इन कश्मीर आर ऑन द राइज, यानी सिंपल सा है, एनकाउंटर्स जो कश्मीर में हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, टेकिंग अ डिसप्रपोर्शनेट टॉल, जिनकी वजह से गैर अनुपातिक मौतें हो रही हैं, वो भी किनकी, ऑन सिक्योरिटी पर्सनल, सुरक्षा कर्मियों की। चलिए आगे बढ़ते हैं,
देखें करें द डेथ्स लास्ट संडे सॉरी लास्ट सैटरडे यानी पिछले शनिवार को जो मौतें हुई ऑफ फोर सोल्जर्स किनकी चार सैनिकों की। अब यहां ध्यान रखिएगा बच्चों ऑफ के बाद क्या है मायने नहीं ऑफ के पहले द डेथ्स है तो वर्ब जो भी आएगी कभी अगर आएगी तो वो डेथ्स के अनुसार ही होगी। तो पिछले शनिवार को जो चार मौतें हुई हमारे सैनिकों की एंड और अ पुलिस ऑफिसर और एक पुलिस ऑफिसर की मौत हुई इन एन एनकाउंटर किसमें एक मुठभेड़ में विद टेररिस्ट जो किनके साथ हुई आतंकवादियों के साथ हुई नियर हंदवाड़ा। ये क्या है आपका एडवर्ब जो बता रहा है कहां मौतें हुई वो कहां मुठभेड़ हुई हंदवाड़ा के निकट हंदवाड़ा टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ये नाम है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हंदवाड़ा टाउन में जो टेररिस्ट के साथ क्या हुई मुठभेड़ हुई उसमें एक पुलिस ऑफिसर और हमारे चार सैनिकों की जो शनिवार को मौतें थी कॉल अटेंशन टू वो हमारा कहीं कहीं ध्यान आकर्षित कर रही हैं एमंग अदर थिंग्स कुछ अन्य चीज़ों के साथ भी कुछ अन्य चीज़ों के साथ भी वो हमारा ध्यान खींच रही हैं अपनी तरफ कि अ डिफिकल्ट समर एहेड कि हमारे पास आगे एक बहुत कठिन क्या होगा गर्मी यानी जो गर्मी का मौसम है सीजन है वो बहुत कठिन होने वाला यानी आगे आने वाली जो गर्मी है वो बहुत कठिन दौर से गुजरने वाली है। देखिए बच्चों यहाँ पे द डेथ स्थान तो इसकी जो वर्ब देखिए क्या थी कॉल प्लूरल यूज की गई। चलिए इट इज अनयूजुअल यह असामान्य है एंड डिसप्रपोर्शनेट और बिना अनुपात का यानी बराबर नहीं ये बेढंगा है अजीब है क्या फार जस्ट अ कपल ऑफ टेररिस्ट उन दो टेररिस्ट के लिए टू टेक डाउन कि वो हमला कर दें मार दें फाइव हाईली स्किल्ड हमारे पांच बहुत अधिक प्रशिक्षित एंड मोटिवेटेड और बहुत अधिक प्रेरित सैनिकों को। समझ लेंगे बच्चों आप देखें फिर से करें इट इज अनयूजुअल ये क्या है बिल्कुल असामान्य सी बात है और डिसप्रपोर्शनेट और ये गैर अनुपातिक है फॉर जस्ट अ कपल ऑफ टेररिस्ट कि सिर्फ दो आतंकवादी हो टू टेक डाउन जो हमला कर सकते हो धराशायी कर सकते हो गिरा सकते हो फाइव हाईली स्किल्ड एंड मोटिवेटेड सोल्जर्स हमारे पांच उच्च प्रशिक्षित और प्रेरित सोल्जर्स को यानी वो हमारे पांच सोल्जर्स को मार दें ये थोड़ा सा अनयूजुअल है डिसप्रपोर्शनेट वो भी कितने आतंकवादी थे केवल अ कपल ऑफ टेररिस्ट। और उस सोल्जर्स में बच्चों कौन कौन लोग थे अ कमांडिंग ऑफिसर एक कमांडिंग ऑफिसर की पोस्ट पे थे ऑफ बटालियन जो बटालियन के थे इन द रैंक ऑफ अ कर्नल जो किस रैंक किस पद पे थे बच्चों कर्नल के पद यहाँ दो बच्चों शब्द ऐसे हैं जो एग्जाम से बहुत दिए गए होंगे ये कर्नल और ये बटालियन ठीक है सी ओ एल ओ एन ई एल होता है कर्नल और बी ए डबल टी ए एल आई ओ एन होता है बटालियन दोनों शब्दों की स्पेलिंग तैयार करिएगा। एक कौन थे उन पांच लोगों में मेजर रैंक के थे टू अदर रैंक्स दो अन्य रैंक वाले थे एंड स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप पुलिसमैन और एक विशेष अभियान वाले ग्रुप के एक पुलिसमैन थे इन द रैंक ऑफ अ सब इंस्पेक्टर जो किस पद पर थे सब इंस्पेक्टर के पद पर थे इन अ फायर फाइट जो किस में मार दिए गए एक गन फायर में मार दिए गए यानी लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत अजीब है बच्चों ये बहुत अनयूजुअल है कि अनयूजुअल और डिसप्रपोर्शनेट भी है कि केवल दो आतंकवादी अ कपल ऑफ टेररिस्ट हमारे पांच उच्च प्रशिक्षित और प्रेरित जवानों को क्या कर देते हों मार देते हों और ये जवान भी कौन थे जो एक बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे जो पद पर क्या थे कर्नल के रैंक पर थे एक उनमें से मेजर के रैंक पर थे एक दो अन्य रैंक्स पे थे और एक स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के पुलिसमैन थे जो सब इंस्पेक्टर के रैंक पे आते थे वो लोग एक फायर फाइट में गोलीबारी में क्या कर दिए गए मार दिए जाते हैं ये चीज़ अनयूजुअल और डिसप्रपोर्शनेट है।
चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों. द डिटेल्स ऑन द ऑफर आर स्केची, याद करें स्केची, अस्पष्ट, धुंधला सा, अधूरा, जो अभी साफ साफ दिखाई न दे रहा. द डिटेल्स यानी जो इसका विवरण है, यानी जो फायर फाइट थी, गोलीबारी, और ये जो शहीद हुए हमारे 5 जवान, इनका जो विवरण है आर स्केची, यानी जो हमें प्राप्त हुआ है विवरण, अभी वो स्केची है. मीन्स अभी उसके बारे में अस्पष्ट रूप से, पूर्ण रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है. येट, फिर भी, देखिए येट के पहले कामा है बच्चों, याद रखिएगा. येट फिर भी प्रोवाइड, ये प्रोवाइड किसके लिए बच्चों पता है, ये प्रोवाइड है द डिटेल्स के लिए. फिर भी जो विवरण है हमारे पास, प्रोवाइड कंपेलिंग एविडेंस, वो एक बाध्यकारी यानी कहीं कहीं हम पर प्रेशर डालने वाला एक सबूत, एक प्रमाण प्रदान करता है ऑफ एन ऑपरेशन, कि हम यानी हमारे जवान एक ऐसे ऑपरेशन, एक ऐसे अभियान पर थे दैट वेंट हॉरिबली रॉन्ग, जो अभियान हॉरिबली रॉन्ग, रॉन्ग यहां बच्चों एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को देखिए एक एडवर्ब ने क्या किया, मॉडिफाई किया, यानी एक ऐसा ऑपरेशन जो बहुत बुरी तरह से क्या साबित हुआ, गलत साबित हुआ. लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिटेल्स हमारे पास हैं अभी वो स्केची हैं, मीन्स अभी वो अस्पष्ट नहीं है, पूर्ण विवरण के साथ नहीं प्राप्त हुई हैं, फिर भी उन डिटेल्स के माध्यम से हमको ये प्रोवाइड हुआ है, यानी हमें ये चीज़ पता अब है कि कंपेलिंग एविडेंस, कि ये बाध्यकारी कहीं कहीं एक बड़ा प्रमाण है कि ऑफ एन ऑपरेशन, एक ऐसे अभियान के बारे में दैट वेंट हॉरिबली रॉन्ग, जो ऑपरेशन बहुत ही गलत साबित हुआ. ऑन सैटरडे आफ्टरनून, यानी शनिवार की दोपहर पे, ये देखिए यहां ऑन सैटरडे ने बच्चों, सैटरडे दिन का नाम है तो इसके पहले क्या लगाया गया, ऑन. ऑन सैटरडे आफ्टरनून यानी शनिवार की दोपहर को, रिसीविंग इंटेलिजेंस दैट टेररिस्ट वर प्रेजेंट इन अ हाउस इन चांगी मुल्ला विलेज. अब यहां ये सब्जेक्ट है बच्चों, ठीक है, आशुतोष शर्मा ऑफ फला फला, ठीक है. अब अगर ये सब्जेक्ट है बच्चों तो ये रिसीविंग क्या होगा, याद है आपको, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो रिसीविंग का अर्थ हो जाएगा प्राप्त करते हुए, यानी प्राप्त करने पर, ये अर्थ हो जाएगा. तो रिसीविंग इंटेलिजेंस यानी उन्हें एक गोपनीय सूचना मिली, यानी गोपनीय सूचना प्राप्त करने पर, दैट कौन सी गोपनीय सूचना, दैट की टेररिस्ट वर प्रेजेंट, कि टेररिस्ट प्रेजेंट थे, उपस्थित थे इन अ हाउस, एक घर में, इन चांगेमुला यानी चांगेमुला के एक घर में टेररिस्ट उपस्थित हैं, इस चीज की गोपनीय सूचना मिलने पर कर्नल आशुतोष शर्मा, कर्नल आशुतोष शर्मा ऑफ 21 राष्ट्रीय राइफल्स, यानी राष्ट्रीय राइफल्स 21वीं जो राष्ट्रीय राइफल्स है उसके जो कर्नल आशुतोष शर्मा जी थे, मेजर अनुज शूद और उसी के मेजर अनुज शूद जी थे, नायक राजेश कुमार, नायक राजेश कुमार थे, लांस नायक दिनेश सिंह, लांस नायक दिनेश सिंह थे, लांस नायक पद होता है बच्चों, एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर, और जम्मू और कश्मीर के पुलिस सब इंस्पेक्टर शकील काजी थे. इतने लोगों ने जब वो इंटेलिजेंस मिला, यानी उन्हें गोपनीय सूचना मिली, एंड पासिवली, और शायद अदर्स, और कुछ और लोग भी थे, ये सारे लोग रीच्ड द साइट, साइट मीन्स वो स्थान जहां पर कोई घटना घटी हुई हो, उस स्थान पर पहुंचे, विच हैड, ये विच किसके लिए है बच्चों, साइट के लिए है, विच हैड अ बिल्डिंग, जिस स्थान पर एक इमारत थी, एंड अ काउ शेड, और एडज्वाइनिंग समझते होंगे बगल में, और उस बिल्डिंग के बगल में उसी बिल्डिंग से सटा हुआ काउ शेड था, यानी जहां गाय वगैरह बंधी हुई थी, रखी जाती हैं, एंड और एन इंटेंस फायर फाइट कमेंस्ड, इंटेंस फायर फाइट तीव्र गोलाबारी, भारी गोलाबारी कमेंस्ड, कमेंस में शुरुआत होना, प्रारंभ हो जाना, और फिर जैसे ही वहां ये लोग पहुंचे वहां पे क्या शुरू हो गई, भारी गोलाबारी शुरू हो गई. ऑल द एनिमी फायर यानी जो उधर से यानी आतंकवादियों की तरफ से, दुश्मनों की तरफ से जो गोलीबारी हो रही थी, केम फ्रॉम द काउ शेड, वो कहां से आ रही थी, गाय बैलों के बांधे जाने वाले
स्थान से, नॉट द बिल्डिंग, न कि उस इमारत से आ रहे थे। देन तभी देयर वॉज अ लल फॉर मोर देन एन आवर, करीब एक घंटे से ज्यादा समय तक के लिए क्या हो गई वहां लल। लल मीन्स शांति, चुप्पी। जब माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गाती है ना, तो वो लल करती है बच्चों। तो यहाँ देन तभी देर वॉज अ लल फॉर मोर देन एन आवर, एक घंटे से ज़्यादा समय के लिए वहाँ शांति हो गई, चुप्पी छा गई। ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान द टीम, यानी जो आपके मेजर कर्नल वगैरह गए थे, ये जो टीम थी एपरेंटली डिसाइडेड, उसने तुरंत यानी स्पष्ट तौर पर यह निर्णय लिया टू अप्रोच, कि वो जाएंगे द हाउस, उस घर में, बिल्डिंग में, एंड और यूज द वांटेज ऑफ द अपर फ्लोर। वांटेज मीन्स क्या होता है बच्चों? लाभ, सहूलियत। जैसे आप किसी जगह पर हैं, आप ऊंचाई के स्थान पर हैं, और ऊंचाई के स्थान पर रहने की वजह से नीचे के लोगों को टारगेट करना आपके लिए आसान है, तो जो ऊंचाई है ना, वो आपके लिए एक प्रकार का वांटेज है, आपके लिए एक सहूलियत है। दिस इज वांटेज, मीन्स एडवांटेज, इसी से बना है। ये लाइनें फिर से देख ले बच्चों। करें देन देर वॉज अ लल फॉर मोर देन एन आवर, करीब एक घंटे से ज्यादा समय के लिए वहां पर चुप्पी छा गई। ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान द टीम अपेरेंटली डिसाइडेड, उस टीम ने स्पष्ट तौर पे निर्णय लिया टू अप्रोच द हाउस, कि वो कहाँ तक जाएंगे, वो उस घर तक जाएंगे, बिल्डिंग तक जाएंगे, एंड यूज द वांटेज ऑफ द अपर फ्लोर, और जो ऊपरी मंजिल है उसकी सहूलियत का क्या उठाएंगे, वो फायदा उठाएंगे, यानी ऊपर वाली बिल्डिंग पे होने का फायदा उठाएंगे, टू फायर एट द टेररिस्ट, जिसकी वजह से वहां से वो टेररिस्ट पर क्या कर सकते हैं, गोलाबारी कर सकते हैं, इन द काउ शेड। जो टेररिस्ट कहां छिपे हुए थे, उस काउ शेड में छिपे हुए थे। दे एंटर द हाउस, वो उस घर में प्रवेश किए, एंड देर वॉज अ फ्रेश फायर फाइट, और वहां पे तुरंत दूसरी तरफ से फिर से क्या गोलीबारी होने लगी, बट नो कम्युनिकेशन फ्रॉम द कर्नल एंड हिज टीम, लेकिन कर्नल और उनके टीम के बीच में क्या नहीं रहा बच्चों, कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा, मीन्स कोई बातचीत, कोई संवाद स्थापित नहीं हो पाया। देन इट वॉज नोटिस्ड, और तब ये देखा गया दैट की देयर कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट, कि उनकी जो बातचीत करने का इंस्ट्रूमेंट था, मीन्स जिससे वो एक दूसरे से संपर्क कर रहे थे, वॉज बीइंग यूज्ड, पैसिव वॉइस है, कंटिन्यूअस का पैसिव, वो उपयोग किया जा रहा था, उपयोग कर नहीं रहे थे बच्चों, वो इंस्ट्रूमेंट उपयोग किया जा रहा था बाय द टेररिस्ट, इनके द्वारा, उन आतंकवादियों के द्वारा, यानी आपस में वो जिस इंस्ट्रूमेंट से वो बातचीत करते, वो इंस्ट्रूमेंट्स किसके द्वारा भी यूज किया जा रहा था, आतंकवादियों के द्वारा। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या हुआ होगा। दैट इज व्हेन रियलाइजेशन केम, जब ये एहसास हुआ क्या, कि ऑल वॉज नॉट वेल, सब ठीक ठाक नहीं है, एंड और, देखिए बच्चों ये कंडीशन की बात है ना, इसलिए ऑल के साथ यहां क्या लगाया गया, वॉज। अगर यहां पे उन लोगों के लिए लगाया गया होता ना, तब क्या होता, ऑल वर नॉट वेल हो जाता, बट ये उस परिस्थिति के लिए है। तो जब ये एहसास हुआ कि ऑल वॉज नॉट वेल, इस परिस्थिति ठीक नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है, एंड और फायरिंग इंस्यूड ऑल ओवर अगेन, इंस्यू याद हो गया बच्चों आपको, आरंभ होना, प्रारंभ होना, और तब गोलाबारी फिर से पूरी तरह से क्या हो गई, इंस्यू कर गई, मीन्स शुरू कर दी गई। दिस टाइम, इस समय, व्हेन इट वॉज ओवर, जब ये गोलाबारी खत्म हुई, तो देर वर सेवन बॉडीज, वहां क्या थे, सात शरीर जो मरे हुए थे, मृत थे, वहां रखे गए थे। द वे, जिस तरीके से दिस ऑपरेशन एंडेड, जिस तरीके से ये इस ऑपरेशन का अंत हुआ, विल हैव रेमिफिकेशंस, उसका असर होगा बच्चों। यहां विल बच्चों आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और हैव जो है मेन वर्ब है, और रेमिफिकेशन जो है नाउन है, यानी जिस तरीके से इस ऑपरेशन का अंत हुआ, इस अभियान का अंत हुआ,
विल हैव रेमिफिकेशंस, इसका क्या होगा, असर होगा ऑन बोथ, दोनों ही चीज़ों पर, मोरेल एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी दोनों ही चीज़ों पर असर होगा बच्चों। किस चीज़ पर? मोरल पे होगा, यानी जो आदमी का आत्मबल होता है ना उसका, उस पर, यानी आदमी की अपनी मोरल पे उसका असर होगा, एंड और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, और ऑपरेशन करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं उस प्रक्रिया पे भी इसका असर होगा। किसका? द वे दिस ऑपरेशन एंडेड, जिस तरीके से इस ऑपरेशन का अंत हुआ। और ये असर किन पर होगा बच्चों? ऑन फ्यूचर ऑपरेशंस, जो भविष्य में आगे अभियान चलाए जाएंगे ऑफ दिस काइंड, इस तरीके के, दैट गो ऑन, ये दैट गो ऑन किसके लिए बच्चों है? ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। अभी दैट अगर ऑपरेशंस के लिए है तो देखिए दैट के साथ प्लूरल वर्ब लिया गया ना, गो ऑन मीन्स आप जानते होंगे बच्चों जरूर, गो ऑन, कैरी ऑन, और इसके मीन्स कीप ऑन मीन्स जारी रखना। ये लाइन फिर देख लें बच्चों, करें द वे जिस तरह से दिस ऑपरेशन एंडेड, इस ऑपरेशन का क्या हुआ, अंत हुआ, विल हैव रेमिफिकेशंस, इसके क्या होंगे, परिणाम होंगे ऑन बोथ मॉरल एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी हमारी मोरल, यानी हमारा जो आत्मबल है और हमारी जो अभियान चलाने की प्रक्रिया है उस पर असर होगा, ऑन फ्यूचर ऑपरेशंस, हमारे भविष्य की कार्यवाहियों पे असर होगा, ऑफ दिस काइंड, इस तरीके के अभियानों पर, दैट गो ऑन ऑल द टाइम इन दिस, पहले ये देख लें, दैट गो ऑन, जो ऑपरेशंस चलते रहते हैं ऑल द टाइम, पूरे समय भर, यानी जो अभियान पूरे समय भर चलते रहते हैं, इन द शेडोवी थिएटर, इस शेडोवी थिएटर पर, अर्थात एक ऐसा थिएटर जहाँ पे सब कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि इसका भविष्य क्या होगा, अप्राक्षीवार, और कौन सा थिएटर, अप्राक्षीवार, जहाँ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हो रहा है बल्कि परोक्ष युद्ध हो रहा है, प्राक्षीवार बच्चों, परोक्ष युद्ध, यानी जब आप हमला न करना चाहें, आप किसी के द्वारा हमला कराएं, तो यह प्राक्षीवार होता है। तो आप समझ रहे होंगे ये पाकिस्तान के लिए कहा जाता है। देखें, इट इज सर्टेनली अ कोइंसिडेंस, यह निश्चित ही एक क्या है, कोइंसिडेंस है, मीन्स एक इत्तफाक है, दैट हैज नॉट गॉन अननोटिस्ड, जो इत्तफाक हमारी सोच से, यानी कहीं भी हमारी निगाह से बाहर ओझल नहीं हुई है, दैट की दो द इनकाउंटर इंडेड ट्रेजिकली, यानी यद्यपि ये इनकाउंटर इंडेड ट्रेजिकली, बड़े दुखदायी तरीके से समाप्त हुआ, अर्थात इसमें हमारे 5 जवान क्या हो गए, शहीद हो गए, ये सच है, लेकिन हम इस चीज़ को नोटिस किए बिना नहीं रह सकते हैं कि न्यूज़ आर डिटेल्स ऑफ इट, कि इसका समाचार और इसका जो विवरण था इसका, डिड नॉट परकोलेट, वो प्रसारित ही नहीं हो पाए, लोग इसके बारे में बहुत अधिक जान ही नहीं पाए, कब तक, टिल वेल आफ्टर संडेज फ्लाई पास्ट, संडे की जो सेना के द्वारा फ्लाई पास्ट होती है उसके बाद तक लोग नहीं जान पाए, एंड शो ऑफ सॉलिडरिटी, और जो हमारा शो ऑफ सॉलिडरिटी होता है सीमा पर, समझते होंगे, वो भी उसके बाद तक लोगों को नहीं पता था कि हमारे 5 जवान क्या हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। लेखक कहना चाहता है कि इसे अननोटिस्ड नहीं जाने देना चाहिए, कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि इतने लंबे समय तक डिड नॉट परकोलेट, ये खबर फैल ही नहीं पाई कि हमारे 5 जवान क्या हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। देखें बच्चों, इट शुड बी एविडेंट बाय नाउ, बाय नाउ मीन्स बच्चों अब तक, तो इट शुड बी एविडेंट, देखिए यहां ये एविडेंट क्या होगा, ये वर्ब नहीं बच्चों, ये एडजेक्टिव, तो इट शुड बी एविडेंट बाय नाउ, यानी अब तक यह अस्पष्ट हो जाना चाहिए, यानी अब तक ये प्रमाणित हो जाना चाहिए, टू मोस्ट, बहुत सारे लोगों को, अधिकतर लोगों को, दैट की चेंजिंग द नोमेनक्लेचर, कि केवल नाम बदलने से, एंड स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर का स्टेटस बदलना जो था है, यहाँ चेंजिंग पता है बच्चों क्या है, ये यहाँ जीरंड है, कैसे पता, देखें ध्यान से, चेंजिंग द नोमेनक्लेचर, अभी भी वर्ब नहीं आई, सब्जेक्ट नहीं आया कोई, एंड स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर,
हैज़ यानी कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं बच्चों, अर्थात चेंजिंग ही यहाँ पे जीरण फ्रेज के रूप में पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी अब तक ये बहुत सारे लोगों को ये अस्पष्ट हो जाना चाहिए, पता चल जाना चाहिए क्या कि चेंजिंग द नोमेनक्लेचर के नाम बदलना एंड स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू और कश्मीर का स्टेटस बदलना हैज़ नॉट एड्रेस्ड एनी ऑफ द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ अनरेस्ट एंड एंग्स्ट। हैज़ नॉट एड्रेस्ड यानी इससे कहीं कोई समाधान नहीं मिला है किस चीज़ को, एनी ऑफ द। अब जैसे ही एनी ऑफ देखा ना बच्चों, आप तुरंत समझ जाएं कि इसके बाद हर हाल में आपकी जो वर्ब होगी वो क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। फिर से देखें बच्चों, करें इट शुड बी एविडेंट, ये चीज क्या हो जाना चाहिए बच्चों, अस्पष्ट हो जाना चाहिए। क्या अस्पष्ट हो जाना चाहिए? बाय नाउ अब तक टू मोस्ट अधिकतर लोगों को दैट की चेंजिंग द नोमेनक्लेचर कि नाम बदलना एंड स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का स्टेटस बदलना हैज नॉट एड्रेस, इससे कोई समाधान नहीं निकला है एनी ऑफ द अंडरलाइंग कॉजेज यानी उन निहित कारणों का समाधान नहीं निकला है जो कारण किसके हैं, अनरेस्ट बेचैनी के हैं एंड एंग्स्ट नाराजगी के हैं, क्रोध के हैं। यानी ये जो बेचैनी है, ये जो नाराजगी है, ये जो कॉजेज हैं, ये निहित कॉजेज हैं, इसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। भले ही आपने जम्मू कश्मीर का नोमेनक्लेचर बदल दिया, मीन्स उसका नाम बदल दिया और उसका स्टेटस बदल दिया, अर्थात वहाँ के लोग जो हैं वो अभी भी वो आपसे खुश नहीं हैं। नीदर हैज़, मैंने बताया था नीदर हमेशा सिंगुलर होता है, नीदर हैज़, नीदर पता है बच्चों, यहाँ पे आपको नन भी लगाया जा सकता था। क्यों? क्योंकि नन यहाँ लग नहीं सकता है, यहाँ दो ही की बात हम कर रहे थे ना, नोमेनक्लेचर की और उसके स्टेटस के, है ना। तो नन सॉरी नीदर है, दो के लिए नीदर लेते हैं, दो सदी के लिए नन लेते हैं। नीदर हैज, नीदर में समझते हैं ना, दो में से एक। नीदर हैज इट डिटर्ड पाकिस्तान फ्रॉम इट्स स्टेड फास्ट गोल्स, समझे, अच्छी लाइन है अच्छी। नीदर हैज इट डिटर्ड यानी इनमें से कोई भी ऐसा नहीं, न नोमेनक्लेचर का बदलना, न स्टेटस का बदलना, जिसने पाकिस्तान को डिटर किया हो यानी पाकिस्तान को रोका हो फ्रॉम इट्स स्टीड फास्ट गोज, उसके उस अस्थाई लक्ष्य से। कौन सा लक्ष्य है? कि कश्मीर में हमें हमेशा उपद्रव कराते रहना है, वहाँ के लोगों को कभी भी खुश नहीं देखना है। इस लक्ष्य से आपका नोमेनक्लेचर को बदलना और उसके स्टेटस को बदलने से कोई फायदा नहीं हुआ है, यानी इससे पाकिस्तान का लक्ष्य नहीं बदल गया कि कश्मीर अब आपका राज्य बन गया, केंद्र के अधीन आ गया, इसलिए अब जो है वो वहां उपद्रव नहीं फैलाएंगे, टेररिज्म नहीं फैलाएंगे। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी इस साल की शुरुआत से, इन 127 डेज यानी 127 दिनों में, एज मैनी एज, देखिए संख्या की बात है बच्चों ना, इसलिए यहाँ पे एज मैनी एज लगाया गया। अगर यहीं पे मात्रा होती या जैसे लगता लगा रहता, मान लीजिए 100 रुपीज़ 60 100 रुपीज़, तो फिर यहाँ पे मच हो जाता, या कोई अनकाउंटेबल नाउन होता यहाँ पे मच हो जाता। तो कह रहे हैं सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी इस साल की शुरुआत से, इन 127 डेज यानी अब तक 127 दिनों में, एज मैनी एज 55 टेररिस्ट हैव बीन किल्ड, पैसिव एज 55 टेररिस्ट क्या कर दिए गए हैं, मार दिए गए हैं इन द रीजन, इस क्षेत्र में रफली वन एनकाउंटर एवरी टू डेज। अगर हम एक सतही तौर पे देखें तो हर दो दिन पर वहां क्या हो रहा है, एक एनकाउंटर हो रहा है यानी मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मारा जा रहा है। इन द अनहेल्दी वैक्यूम, इस खराब निर्वात में यानी जहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, पूरा वैक्यूम है, समझ में नहीं आ रहा है, दैट न्यू दिल्ली हैज क्रिएटेड, जिस वैक्यूम को किसने क्रिएट किया है, नई दिल्ली, देखिए पैसिव, अरे परफेक्ट टेंशन बच्चों,
क्योंकि यहां सिंस अगस्त दिया गया था, टाइम दिया गया था। इट इज अनहेल्दी वैक्यूम, यानी एक ऐसा नुकसानदायक वैक्यूम निर्वात है दैट न्यू दिल्ली हैज क्रिएटेड सिंस अगस्त 5, यानी 5 अगस्त से जो नई दिल्ली ने उत्पन्न किया है लास्ट ईयर। कौन से 5 अगस्त? पिछले साल से, जब ये फैसला लिया गया था जम्मू और कश्मीर के बारे में, जब 370 धारा क्या कर दी गई थी, हटा दी गई थी 5 को। तो जब से ये निर्णय लिया गया तब से सच एनकाउंटर्स, इस तरह के जो एनकाउंटर्स हैं, मीन्स मारे जाने वाले अर्थात मुठभेड़ में मारे जाने वाले जो लोग हैं उनका जो एनकाउंटर्स हैं, हैव डन नथिंग। इन एनकाउंटर्स ने कुछ नहीं किया, इनसे कोई फायदा नहीं हुआ है, अदर देन अपेक्षा किसके, एड कि इन एनकाउंटर्स ने कहीं कहीं मदद की है द इम्पल्स, प्रेरणा उत्पन्न करने में ऑफ द डिसअफेक्टेड। किनके ऊपर? उन लोगों के ऊपर जो अभी अफेक्टेड नहीं थे टू एम्ब्रेस आर्म्स, उन्होंने भी क्या उठा लिया, क्या अपना लिया, एम्ब्रेस आर्म्स, हथियार उठा लिया। यानी लेखक कहना चाह रहे हैं कि पिछले 5 अगस्त को जो आपने निर्णय लिया धारा 370 हटाने का, उसके बाद से जो एनकाउंटर्स हुए हैं इनसे आपको कोई फायदा नहीं हुआ है, बल्कि वहाँ रहने वालों के मन में एक और प्रकार की प्रेरणा आ गई कि उन्होंने क्या उठा लिया, हथियार को गले लगा लिया, यानी हथियार उठाना शुरू कर दिया। एज द डेंजरस ड्रिफ्ट इन जम्मू एंड कश्मीर कंटिन्यूज, एज मीन्स चूंकि या जब, चूंकि डेंजरस ड्रिफ्ट इन जम्मू एंड कश्मीर कंटिन्यूज, देखिए जम्मू एंड कश्मीर सब्जेक्ट नहीं बच्चों, क्या है, इनके पहले आने वाला डेंजरस ड्रिफ्ट है ना, ये प्रीपोजिशन है आपका, यानी कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में जो डेंजरस ड्रिफ्ट है, यानी ये जो खतरनाक प्रवृत्ति है, न्यू दिल्ली मस्ट रियलाइज, चूंकि ऐसा जम्मू कश्मीर में हो रहा है, इस तरह की खतरनाक प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही लोगों के मन में, तो नई दिल्ली को मस्ट रियलाइज, देखिए मस्ट के साथ वर्क है फर्स्ट फॉर्म, नई दिल्ली को यानी केंद्र सरकार को ये निश्चित ही रियलाइज करना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि इट हैज़, ये यहाँ से क्लास दूसरी बच्चों, इट हैज़ रीच्ड द पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि यह एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच गई है ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की, जहाँ पे हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलेंगे, रिटर्न्स में यहाँ पे जो वापस में हमें मिलेगा कुछ वो कहीं ना कहीं डिमिनिशिंग होगा, कुछ नहीं होगा, खराब ही मिलेगा, एंड और शुड लुक, और केंद्र सरकार को शुड लुक फॉर वेज, ऐसे रास्तों के बारे में तलाश करनी चाहिए टू अरेस्ट दिस ट्रेंड, ताकि इस ट्रेंड को क्या किया जा सके, थामा जा सके, रोका जा सके। कौन सा ट्रेंड? टू एम्ब्रेस आर्म्स, यानी वो जो हथियार उठा रहे हैं वहाँ लोग, इस ट्रेंड को केंद्र सरकार को कहीं कहीं बच्चों क्या करना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए, थामना चाहिए, रोकना चाहिए। अच्छा लगा होगा थोड़ा बहुत आपको पहले से बेहतर। मैंने यहाँ एक और चीज़ की बच्चों, लेकिन ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा, दोबारा तिबारा पढ़िएगा, समझिएगा अच्छे से, वर्ड्स को देखिएगा, तो उन्हीं वर्ड्स को मैंने यहाँ देखे आपको लास्टली फिर से रिपीट किया। अब ये वर्ड्स आपके सामने हैं, अब आप बेहतर कर सकते हैं बच्चों, सिर्फ एक सतही तौर पे देख लें कि क्या आपको याद हो गया, समझ लिया आपने, क्या नोमेनक्लेचर याद हो गया आपको, नामकरण या शब्दावली, रेमिफिकेशन याद हो गया आपको, असर या प्रभाव, परिणाम, कोइंसिडेंस याद हो गया बच्चों, इत्तफाक या संजोग, अंडरलाइन याद हो गया आपको, निहित, टेक डाउन याद हुआ आपको, गिरा देना, मार देना, वैसे टेक डाउन में इससे एक और चीज़ होता है बच्चों, दो और चीज़ होता है, रिमूव कर देना होता है किसी ऊपर की चीज़ को, और लिखना भी होता है, कोई बोल रहा है कुछ आप उसे टेक डाउन कर रहे हैं तो वो भी टेक डाउन होता है, कंपेलिंग याद हो गया बच्चों, बाध्यकारी जो मजबूर करे आपको, परकोलेट याद हो गया, प्रसारित होना, फैलना धीरे धीरे, फायर फाइट एक वर्ड नया आपने जाना, गोलीबारी गन फायर के रूप में, इम्पल्स आपने जाना, प्रेरणा इंस्पिरेशन मोटिवेशन, एपरेंटली याद हो गया बाहरी तौर पर या अस्पष्ट तौर पर, डिसप्रपोर्शनेट याद हो गया आपको, गैर अनुपातिक या बेढंगा, वांटेज याद हो गया लाभ की स्थिति या सहूलियत, स्केची याद हो गया आपको मीन्स जो अधूरा हो, साफ साफ दिखाई न दे रहा हो, एनस्यू याद हो गया आपको मीन्स प्रारंभ हो जाना किसी चीज़ के परिणाम स्वरूप,
डिमिनिशिंग याद हो गया बच्चों, मीन्स जो डिमिनिश हो धीरे धीरे समाप्त होता जाए। कमेंश याद हो गया, शुरू होना आरंभ होना। लल याद हो गया, शांत चुप। एंग्स्ट याद हो गया, नाराजगी क्रोध। ड्रिफ्ट याद हो गया, भावना सोच बहाव कोई प्रवृत्ति। सॉलिडरिटी याद हो गया, यूनिटी एकजुटता। वैक्यूम याद हो गया, बिल्कुल एम्प्टीनेस मीन्स खालीपन निर्वात। स्टीड फास्ट याद हो गया, जो स्थिर हो कॉन्स्टेंट हो। डिटर याद हो गया, मीन्स किसी को रोकना कुछ गलत करने से। और इम्ब्रेस याद हो गया, गले लगा लेना उठा लेना। तो बच्चों कैसा लगा ये एडिटोरियल आज पढ़ करके आपको, आप जरूर बताइएगा। और अगर कोई कमी हो आप कमेंट्स में बताएं। और अगर अच्छा लगे आपको, अच्छा लगा हो जरूर इसे शेयर करें, दूसरे बच्चों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम 6 से 7 के बैच में, जहाँ पे हम और आप इसी एडिटोरियल पर एक्सरसाइज कर रहे होंगे बच्चों। और ये एक्सरसाइज जरूर करें। और शाम 7 बजे से मेरा जो बैच चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो भी जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर शाम को 6 बजे। थैंक यू।